बहुत सिंपल तरीके समझ लेंगे। कार्यकारी न्यायाधीश वो न्यायाधीश होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यों का निर्वहन करते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये अस्थायी होते हैं। जब मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा तब ये क्या होंगे, वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तीसरी बात, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात हो गई कार्यकारी न्यायाधीश की, आर्टिकल 126। क्लियर हो गया? तदर्थ न्यायाधीश, ये देखिए तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं इन्हें? एड हॉक। तो क्या हो गया ये? तदर्थ न्यायाधीश, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एड हॉक, एड हॉक जस्टिस, एड हॉक जस्टिस। ये क्या होते हैं? देखिए, कोर्ट का जो न्यायालय है, न्यायालय, इस न्यायालय का भी सत्र चलता है, या ये कहिए इसकी भी बैठक चलती है। और बैठक में एक नियम लागू हो गया है, और उस नियम को कहते हैं हम कोरम, या क्या कहते हैं उसे? गणपूर्ति। गणपूर्ति इसका मतलब होता है, जब जहां कोरम या गणपूर्ति शब्द लागू हो जाए तो न्यूनतम संख्या चाहिए। क्या चाहिए? न्यूनतम संख्या। जैसे किताबों से स्रोत मिले और स्रोतों के अनुसार पता लगा कि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? पांच होनी चाहिए। पांच है तो क्या होगा? सत्र या बैठक चलेगी। इससे कम पर बैठक या सत्र नहीं चलेगा, कोई भी केस हैंडल नहीं होगा इस समय, किसी केस पर कोई भी किसी तरह की चर्चा नहीं होगी। अब क्या होता है ऐसी स्थिति में ये सत्र ना चल रहा हो, बैठक ना चल रही हो, किसकी वजह से? गणपूर्ति पूरी ना होने की वजह से, गणपूर्ति ना होने की वजह से। तो हमें क्या करना है? हमें गणपूर्ति करनी है, हमें कोरम पूरा करना है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? नीचे से, हाई कोर्ट से, ऐसे जज जो उच्चतम न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें नीचे से उठा लेते हैं और उन्हें अस्थायी रूप से क्या कर देते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त कर देते हैं। कब तक? जब तक उनकी जरूरत है। तो ऐसे ऐसी नियुक्ति या ऐसे जजों की नियुक्ति जो सत्र पूरा करने के लिए चले, गणपूर्ति के लिए चले, कोरम पूरा करने के लिए की गई हो, ऐसे न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश कहलाते हैं, एड हॉक जस्टिस कहलाते हैं। क्लियर है? तो क्या हो गया कि देखेंगे यहां पर, गणपूर्ति में कम से कम पांच हो, और पांच ना हो, कम हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, ये कहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा प्रेसिडेंट के परामर्श से क्या होगा? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और ये इस कार्य का संचालन करेंगे। बात क्लियर हो गई? ये होते हैं तदर्थ न्यायाधीश। क्लियर है? आर्टिकल कितना है ये अनुच्छेद 127, ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। एक बात और याद रखेंगे, ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में इनका प्रावधान है। तो ये तदर्थ न्यायाधीशों का, ये इसकी बात करें हम, तो ये स्रोत कहाँ से लिया हमने? स्रोत है फ्रांस, फ्रांस के संविधान से हमने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान लिया है। ठीक है, त्याग पत्र में देखेंगे हम ये कौन है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये किसे देगा? ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। देख रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ये पॉइंट याद रखें। न्यायाधीशों का जो का पद से हटाना, ठीक है? ये देखिए आप,
इसमें अनुच्छेद कितना है, 124 का चार। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि न्यायाधीश पर किस तरह से आरोप लगाते हैं हम, मतलब न्यायाधीश को किस आरोप में हटाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार या असमर्थता, असमर्थता, ये दो आधार हैं। इन दो आधारों पर किसे, मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों को पद से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सिद्ध कदाचार या असमर्थता, ये न्यायाधीश को हटाने का क्या होगा, आधार होगा। इन दोनों में से कोई एक आधार होगा, ये दोनों भी आधार हो सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हटाने का तरीका क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, इस पे बात करेंगे। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हटेंगे ना, वो विशेष बहुमत से हटेंगे, विशेष बहुमत से। सिंपल है, हटाएगा कौन, संसद को अधिकार है, संसद को हटाने का अधिकार है। हम यहां प्रक्रिया पर जोर देंगे। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये है क्या कि जो हटाने का जो प्रस्ताव आएगा, ये जो प्रस्ताव आएगा वो किसी भी सदन में आएगा, किसी भी सदन में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी सदन में, वो चाहे लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, एक बात। फिर उसके बाद उस सदन में पहुंचते हैं हम, किसी, पहले एक सदन देखेंगे, तो क्या होगा, अब क्या करना है, इसे प्रस्ताव किसी भी सदन में उठेगा, किसी में भी आएगा। फिर दूसरी बात, सदन की कुल संख्या का बहुमत, मैं लोग क्या हूं, लोग उपस्थित हूं, कम से कम बहुमत में लोग उपस्थित हों, बहुमत से कम ना हो, बहुमत में लोग उपस्थित हों, लोग हों, बहुमत में लोग हों। उसके बाद दूसरी बात क्या कर रहा है ये, अगर मान लीजिए लोकसभा को मैं एग्जाम्पल मान लूं, तो 543 का बहुमत चाहिए, और बहुमत क्या होता है, इसका 50%, 50+1 ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये तो हो गया क्या, बहुमत। अब इस बहुमत का से ऊपर देखें हम, कम से कम बहुमत देख लें, इस बहुमत का या उपस्थित लोगों का, जो बहुमत में उपस्थित है उनका, अब क्या बोला ये कह रहा है सदन के बहुमत में उपस्थित लोगों का। फिर मैंने एक बार बोला कि सदन में लोग कम से कम बहुमत में तो हो, उससे कम ना हो, बहुमत से ऊपर कितने भी हो, चाहे 543 ही क्यों ना हो, 400 हो, 450 हो, 500 हो, 350 हो, बहुमत से ऊपर हो। अब जो ऊपर है, जो उपस्थित हैं, तो लोगों का फिर मैं बोलूंगा उपस्थित लोगों का 2/3, क्या करें, सहमति दर्ज करें, देख रहे हैं, सहमति दर्ज करें, और ऐसे प्रस्ताव पर, हटाने के प्रस्ताव पर बहुमत में उपस्थित लोगों का 2/3 समर्थन दर्ज कर दें, तो क्या हो जाएगा, न्यायाधीश पास होने की तारीख से क्या करेगा, पदत्याग करेगा, पद मुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पद मुक्त हो जाएगा। ये हटाने की प्रक्रिया है। तो देखें आप क्या करेंगे, न्यायाधीश को पद से हटाने का जो प्रस्ताव आएगा उसका प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये संसद है, ये संसद है, और संसद के दो सदन हैं, पहला कौन सा, लोकसभा, और इधर कौन सा, राज्यसभा। और हम क्या ला रहे हैं, हम प्रस्ताव ला रहे हैं,
अब प्रस्ताव किसको हटाने के लिए है? मान लीजिए सीजेआई को हटाने के लिए है, तो मैंने कहा कि ये यहां भी आ सकता है और ये यहां भी आ सकता है। अब यहां आएगा तो कितने लोग और यहां आएगा तो कितने लोग, ये हटाने का जो प्रस्ताव है वो अगर लोकसभा में आएगा तो कितने लोग क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, तब प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। मान लीजिए लोकसभा में आ रहा है, लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा में लाने के लिए इस प्रस्ताव को या लोकसभा में उठाने के लिए इस प्रस्ताव को, भाई संसद तो उठाएगी, संसद में ही तो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि न्यायाधीशों को हटाने की पावर किसके पास है, संसद के पास है, उन्हें कौन हटाएगा, संसद हटाएगी। अब संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, अब उसे हटाने की, हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के लोग उठा सकते हैं, लोकसभा के सदस्य उठा सकते हैं या राज्यसभा के सदस्य उठा सकते हैं। यदि ये हटाने की चर्चा कहां से शुरू हुई, लोकसभा से, तो लोकसभा के कम 100 सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दर्ज करें, तब तो प्रस्ताव चलने लायक होगा, प्रस्ताव सुनवाई लायक होगा, तब तो वो चर्चा योग्य होगा। कम से कम 100 लोग उस पर क्या करते हैं, अपना समर्थन कर दें कि हम क्या हैं, इसके लिए तैयार हैं। अगर यही चीज राज्यसभा में हो तो राज्यसभा में इसकी संख्या के लगभग हाफ है, लोकसभा की सदस्य संख्या के लगभग हाफ है, तो यह संख्या भी हमने क्या कर दी, हाफ कर दी, यह संख्या भी हमने हाफ कर दी, तो कम से कम राज्यसभा में 50 लोग इस प्रस्ताव को उठाने वाले हों, 50 लोगों के इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर हो कि हां हम सहमत हैं, तब वो चर्चा योग्य बनेगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर प्रस्ताव कहां गया, लोकसभा में, तो क्या करते हैं यहां पर, यहां 100 लोग, 100 लोग क्या हो, प्रस्ताव प्रस्तावक हो, 100 लोग प्रस्तावक हो, और ये किसे देंगे, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और यहां कितने लोग प्रस्तावक हो, 50 लोग प्रस्तावक हो, और किसे देंगे, ये जो है सभापति को, सभापति को देंगे, और तब इस पर चर्चा चलेगी आगे। हटाने का प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, पारित हो गया, अब किसके पास जाएगा, वो अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, याद रखना, करेंगे तो शपथ सबसे पहले ये आता है कि शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, कौन दिलाएगा। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि शपथ लेने का एक प्रारूप होता है और उसका एक स्थान होता है, ठीक है, तो इसका स्थान कहाँ है और प्रारूप क्या है, देख रहे हैं, इसकी बात भी आती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनके बारे में बताएंगे कि शपथ कौन दिलाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। लेकिन याद रखें कि राष्ट्रपति हर वक्त मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर राष्ट्रपति शपथ दिलाने की स्थिति में ना हो या राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो ऐसे कार्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी व्यक्ति को इस निमित्त नियुक्त कर देगा कि आपको इस कार्य का संपादन करना और वो इस कार्य को पूरा करेगा, जिसे राष्ट्रपति उचित समझे उसकी नियुक्ति इसके लिए करेगा कि तू इसे नियुक्त, इसे शपथ दिलानी है। तो क्या हुआ, सामान्य तो क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ दिलाता है, एक बात, स्थान कहाँ है, तो याद रखना थर्ड अनुसूची में क्या है, स्थान है और इसका प्रारूप है, स्थान और प्रारूप कहाँ है इसके, थर्ड अनुसूची में, एक बात याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे बता दूँ मैं CJI प्लस CAG इन दोनों का सेम प्रारूप है, ये पूछा गया, सेम फॉर्मेट के तहत क्या करते हैं, दोनों शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद कितना है, ये 126 का 6 में है, ये न्यायाधीशों के वेतन और
बताइए 125 अनुच्छेद 125 इसमें क्या है? तो हम ये देखेंगे कि इससे जो वेतन मिलेगा वो वेतन क्या होना चाहिए, कहाँ से मिलना चाहिए, समय के साथ साथ क्या संशोधन होना चाहिए, ये सारे काम कौन करेगा? संसद। तो वेतन कौन निर्धारित करेगा? संसद। तो यहाँ लिख लेंगे वेतन संसद द्वारा निर्धारित। ये बात क्लियर हो गई, संसद निर्धारित करेगी कि क्या वेतन मिलेगा उसे, एक बात। दूसरी बात, ये वेतन मिलेगा कहाँ से? तो इसे जो वेतन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? संचित निधि से मिलेगा, केंद्र की संचित निधि से इसे वेतन मिलेगा। और ये वेतन समय के साथ साथ क्या होगा? ग्रो करेगा। तीसरी बात, राष्ट्रपति को हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये जो है किसी भी तरह के कर से मुक्त है उसका वेतन। तो एक ही अकेला व्यक्ति है जिसका कर से मुक्त वेतन है और किसी का नहीं है। ये अधिकांश साथ बात लागू होती है कि कार्यकाल के दौरान कोई कटौती वेतन में नहीं की जाएगी। लेकिन बोलेंगे से वित्तीय आपात के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान क्या होगा? वेतन रोका जा सकता है या कटौती की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। आई का वर्तमान वेतन 2.80 लाख और अन्य का 2.50 लाख, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, ये मतलब समय के साथ साथ ग्रो करेगा, चेंज होता रहेगा। न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। यहां पर आपको दो आर्टिकल मिलेंगे, एक आर्टिकल 121 और एक आर्टिकल 211। चलो 121 और 211, 121 यहां संसद में बात करेंगे और यहां राज्य की विधानमंडल में। संसद में न्यायाधीश के बारे में कोई चर्चा नहीं, विधानमंडलों में कोई चर्चा नहीं। ये देखिए, ये उन्मुक्तियां हैं, क्या कहते हैं इन्हें? उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां हैं। इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई आचरण के चर्चा नहीं होगी कि उसने क्या डिसीजन लिया, क्या दिया, कोई चर्चा नहीं होगी। 2121 और 211। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 124 का 7 क्या है इसमें? इन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश है, जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, जो न्यायाधीश है वो एक दिन क्या होगा, वो एक दिन रिटायरमेंट हो जाएगा उसका अवकाश। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अवकाश के उपरांत, अवकाश के उपरांत, ठीक है, क्या नहीं करेगा? न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अवकाश के उपरांत न्यायालय या प्राधिकारी, प्राधिकारी के समक्ष क्या नहीं करेगा? प्रैक्टिस नहीं करेगा, हैं? समक्ष वकालत नहीं करेगा, वकालत नहीं करेगा, ये प्रतिबंध है इस पर।